الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته انور سحر چہرے سے मैं हूँ जी मोहम्मद सरफराज कुमार, एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, जो लास्ट का जो मेरा व्लॉग था जिसमें भूल गया यार कौन सा व्लॉग था, लास्ट जो भी व्लॉग था उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के बाद आज आपका भाई आ चुका है अगेन एक न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई साहब पिछले 6-7 दिन की जो आपकी मसरूफियात थी वो गैस करें क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा आपका भाई मसरूफ़ हो गया हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगा के। तो सबसे पहले आपको खुशखबरी जो है वो रिवील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई साहब एक बार दोबारा चाचू बन चुका है और इस बार चाचू बना है मरियम गुलजार घुमन का। तो भाई साहब जो मरियम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतवार को जो है पैदा हो चुकी थी, पर उसके बाद जो है जो मरियम है उसकी कंडीशन जो है थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए हमारे को यहाँ से इसको पटनी से लेके जिनाह जाना पड़ा और जिनाह का जो है वो 2 दिन का स्टे होने के बाद आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरियम बीवी जो है वो सेट हो चुकी हैं और अभी घर पर आ गए और जो ये अभी धूप है इनके मज़े ले रही हैं। सुबह सुबह भाई साहब आपका जो है भाई और मरियम का चाचू जो है वो सुबह सुबह इसको लेके निकल चुका है और थोड़ी सी इसको धूप लगवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब वीडियो में आप देख लेंगे कि मरियम को जो है वो अजान जो है वो आपके भाई ने दी। पहले पालते अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपके भाई की गोद में बैठ के उतरे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आयशा है हमारी भतीजी उसको भी अजान मैंने दी और उसका भी ये जो बाल उतारने का प्रोसेस था वो मेरी गोद में हुआ। इसके बाद जो मरियम है उसका भी ये हुआ। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशखबरी है कि हमारे घर पे हुआ है न्यू बॉर्न बेबी, इसलिए आपका भाई थोड़ा मसरूफ़ था। बाकी आज है संडे का दिन तो अभी मरियम को थोड़ी देर बाद ऊपर छोड़ के आएंगे, फिर उसके बाद जो है अपना डे जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जाएंगे अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो स्टॉप पर खड़ी करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई साहब कहाँ आज निकलता है आपका भाई। तो भाई साहब फाइनली वेलकम बैक हो गया आपका व्लॉग में दोबारा। भाई साहब कल जो है आपके भाई ने सुबह सुबह गाड़ी निकाली, पर गाड़ी निकालने के बाद आपके भाई की गाड़ी ने आपके भाई को सुबह सुबह दे दिया धोखा। सुबह सुबह इसमें ख़राबी आ गई क्लच का और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का इशू आ गया, उसकी वजह से भाई साहब पूरा दिन इतवार का इस गाड़ी ने मेरे को जलील वार कर दिया और मकैनिक के पास से पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मकैनिक के पास में रहा। कभी वो डॉक्टर की तरह ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ और आपका भाई बस चीज़ें ला ला के दे रहा था। तो बिल आखिर शाम को या रात के टाइम ये मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई और आज है मंडे का दिन और आज आपका भाई आ चुका है अपने काम पर। और अभी जो है गर्मी की सिचुएशन आपको मैं बताऊँ भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा का नाम नहीं है और इसलिए आपके भाई ने ये जो है ना अपनी गाड़ी के पर्दे वगैरह बंद किए हुए हैं ताकि जो गर्म हवा है वो अंदर ना इंटर हो। बाकी इसके अलावा ये जो मेरा फ़ैन है ना ये भाई साहब बहुत बेहतरीन काम करता है। पर्दे बंद करो, ये फ़ैन ऑन करो, बैटरी मेरे पास असल में है 100 एम्पीयर की, बैकअप मेरे पास बहुत अच्छा होता है गाड़ी की वजह से और बैटरी की वजह से, तो इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं होती 2-2.5 घंटे का, मैं यहाँ 3 घंटे का स्टे आराम से इस पंखे के नीचे बैठ के कर सकता हूँ। तो भाई साहब अभी बैठे हुए और अभी अपना जो है खाना माना लेके आए हुए वो खाते हैं और मैं भी, मेरे ख्याल से आज घर वालों ने चिकन बिरयानी बनाई हुई है तो इसको एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और चेक करके बताते हैं कि कैसा है आज इसका टेस्ट है। तो सबसे पहले इसका ओपन वगैरह करते हैं, चीज़ें संभाल तो सेट करके रखते हैं और खाने की सेटिंग बनाते हैं। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह खाने की ओपनिंग कर दी आपके भाई ने और घर वाले जो हैं आपके भाई को इस तरह ये रायता वगैरह पैकेट में और थैली में डाल देते हैं और ये सलाद वगैरह डाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है भाई साहब आलू चिकन बिरयानी है, तो अभी इसको रायते को सबसे पहले खोलेंगे
और इसके ऊपर सारा डालेंगे और सलाद वगैरह डालते हैं और फिर इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा आज इसका जायका है। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह रायता जो है वो मिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पर डालते हैं सैलेड इसमें और एक बेहतरीन सी बाइट तैयार करते हैं, फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। भाई साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब आपके भाई ने एक हैवी किस्म की बाइट तैयार कर ली है, अब इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बता। ये बहुत ओवर हो चुका है भाई साहब, कराची वाले तो वैसे ही बिरयानी भाई साहब पसंद करते हैं, पर जब बिरयानी घर की बनी हुई और खसूसन आपकी वालदा के हाथ की बनी हो तो भाई साहब सीन ही कमाल का हो सकता है, भाई साहब कमाल हो जाता है। अब बाकी आपका भाई जो है इस बिरयानी को एंजॉय करता है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो खाना माना है वो कंप्लीट हो चुका है। अब भाई साहब अभी आ चुके हैं। भाई साहब आपके भाई के पेपर कम बहुत नज़दीक, तो अभी आपके भाई को अपने पेपर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी होगी। तो भाई साहब ये यूट्यूब भी साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह और पेपर प्रिपरेशन भी साथ चलती रहेगी। तो बाकी आज का ये अपना ब्लॉग आपने बताना कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अभी आपके भाई ने सोचा है कि भाई साहब जिस तरह मंडी अपडेट्स आ रही हैं, मंडी के वाले दिन करीब आ रहे हैं और बड़ी ईद भी करीब आ रही है, तो इंशाल्लाह आपका भाई जो है मंडी अपडेट्स के ऊपर भी काम करेगा और उसके भी व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप सबने जो आपके भाई की वीडियोस हैं उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक